पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। मोदी ने पोलैंड से शांति का संदेश दिया है। वॉर्सो में बोले प्रधानमंत्री, ये युद्ध का युग नहीं है। भारत बातचीत पर जोर दे रहा है। कूटनीति से समाधान पर भारत का जोर है। भारत युद्ध की नहीं शांति की बात करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करती है, इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल दे रहा है। तो पोलैंड से आपने संबोधन सुना प्रधानमंत्री मोदी का, गर्मजोशी से भरा हुआ था। और आइए 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई। जो बड़ी बातें उन्होंने कही, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध की नहीं शांति की बात करता है। तीसरी बड़ी बात, वर्तमान युग में युद्ध का नहीं समाधान पर भारत का जोर है। भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का पैरोकार रहा है। मेरे तीसरे टर्म में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये उन्होंने कहा। और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। 10 सालों में गरीबों के लिए 40 मिलियन पक्के घर बनाए गए हैं हमारी सरकार की ओर से, ये उन्होंने कहा। भारत ने एक दशक में 3 नए पोलैंड बसाए हैं। पोलैंड के साथ सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट हुआ है जो बहुत जरूरी था और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। तो ये 10 बड़ी बातें जो पोलैंड के संबोधन से, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इससे पहले की तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही रेड कार्पेट स्वागत हुआ। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम किया है और इस दौरान डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें पीएम मोदी ने कलाकारों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वॉर्सो में कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और पीएम मोदी ने मोंट कैसिनो स्मारक का भी दौरा किया। और पोलैंड में भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनकर रहेगा। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है। देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन के रहेगा। आने वाले वर्षों में दुनिया भारत का जबरदस्त आर्थिक उभार देखने जा रही है। नेस्कॉम का अनुमान है कि अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्केल स्पीडर सॉल्यूशन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। भारत ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक खुद को भारत विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर हमारा देश आगे बढ़े। इसलिए आज का भारत अभूतपूर्व स्केल, स्पीड
और सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है। भारत में किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है, ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। सुनाओ, भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।